उसके लिए हम लोग अपने बच्चों को उनके मन जो है पढ़ाई के डर से जो भागता है उसके झिझक को हटाने के लिए हम अपने विद्यालय में प्रथम बार आते हैं तो पहले सर सफाई हम लोग कराते हैं और उसके बाद बच्चे को कहते हैं ये कूड़ा कंकर थोड़ा सा आप लोग गिन लीजिए, वे लोग अपने गिन लेते हैं। उसके बाद प्रभात मैडम, चलिए आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? कहानी का शीर्षक जानते हैं क्या है? नहीं जानते? नहीं मैम। नीलू और चिड़िया, क्या है शीर्षक? नीलू और चिड़िया। अब चलिए हम लोग शुरू करते। बच्चे आप लोग चिड़िया तो देखे होंगे जी, और नीलू के क्या कर, नीलू और चिड़िया का संबंध क्या होता है कोई भी बच्चे बता सकते हैं? नीलू का बा सर, नीलू तो यही ना हम पूछ रहे हैं सर। जी नीलू एक लड़की है। मैडम हम नहीं जानते हैं, बताया जाए। अच्छा चिड़िया मैडम देखे हैं। अच्छा नीलू आंगन में खेल रही, एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और फूल की डाली पर बैठ गई। नीलू ने दौड़ कर चिड़िया को पकड़ लिया। कौन खेल रही थी? नीलू। नीलू कौन है? छोटी सी बच्ची है। आंगन में आंगन। किसे पकड़ ली? चिड़िया। चिड़िया को पकड़ ली। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? हाँ मैडम समझ रहे हैं। ची ची ची, चिड़िया शोर मचाने लगी, पंख फड़फड़ाने लगी। नीलू ने चिड़िया को छोड़ा नहीं, उसे खूब जोर से पकड़ लिया। क्या करने लगी चिड़िया? ची ची करने लगी। जब नीलू ने पकड़ ली तो उसके पकड़ने के बाद वह घबरा गई और उस चिल्लाहट करने लगी, ची ची करने लगी, फड़फड़ाने लगी। चिड़िया के कुछ पंख भी झड़ गए, उसे बुखार आ गया, वह थरथर कांपने लगी, बेहोश हो गई। क्या हुआ चिड़िया को? बुखार आ गया, थरथर कांपने लगी और बेहोश हो गई। नीलू के पकड़ने से चिड़िया डर गई, सहम गई, उसे बुखार आ गया, बेहोश हो गई। नीलू घबरा गई, वह चिड़िया को कमरे में ले गई, चिड़िया को पलंग पर लिटा दिया, एक कुर्सी खींच कर उसके पास बैठ गई। चिड़िया बुखार में कांप रही थी, नीलू उदास बैठी थी। नीलू क्या हुई? उदास बैठ गई। नीलू घबरा गई। क्या हुआ नीलू? मम्मी ने कमरे में आकर पूछा। क्या हुआ नीलू? मम्मी ने कमरे में आकर पूछा। किसकी मम्मी ने? नीलू की मम्मी ने। तारो होता है आदमी के बात सुना जाता है। अच्छा आपको भी बुखार होती होगी तो आप जाते होंगे, आपके हृदय में रख के ऐसे डॉक्टर साहब पूछे।
बहुत अच्छा।